यहाँ से छरिया से डाल रहा है भैया। आराम से सर, आराम से चढ़िए, आराम से ही, आराम से ही। सरकार कर रही है जब हमारे बच्चों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, इसी के लेकर हम लोग एक छोटा सा, ये कोई बड़ा सा नहीं है, एक छोटा सा ये हम लोग का आगे चलने का ये आंदोलन किया जा रहा है कि इससे कुछ क्या कारण क्या है जो आप लोग, ये कारण है जो पहले हमारे आर्मी का जो भी टीओडी निकाल का ये हमारा अथी कर रहा है, विरोध कर रहे हैं इसीलिए लोग का, क्योंकि ये पहले 18 साल का जॉब होता था, ये आर्मी का जो होता था ये 18 साल का होता था। अब इसको क्या किया है कि ये टेंडर दे दिया है, ये अब दलालों को पॉकेट मनी के लिए ये दलाल को सौंप दिया गया है, जैसे रेलवे को बेचा गया। अब ये क्या क्या कि सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ, ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे, जिसका 17.5 साल में उनका जॉब लग जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 22 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे। सरकार इसका कुछ मतलब इसी के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन में आप लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये हमारा ये रणवीर वर्मा चौक तक जाएंगे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सभी युवा साथी, सभी हमारे आर्मी का जितने भी ये धावक हैं, सब ये आर्मी लवर जाएंगे रणवीर वर्मा चौक तक, वहाँ जाकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको 4 साल से हटाकर इसको 18 साल किया जाए, पहले जैसा ही इसको। अगर वैसा नहीं सरकार करती है तो क्या किया जाए? और इससे बड़े का आंदोलन जारी रहेगा हम लोग का। यहाँ पर हम ये बोलना चाहेंगे, यहाँ का नेता लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। कारण क्या है जो आपको सड़क कूट रहे हैं? कारण ये है कि सेना का जो भर्ती नियम जो चला आ रहा था पहले से, वही नियम चलना चाहिए। अभी जो नियम किया गया है वो 4 साल के लिए किया गया है, जिसमें से 3 साल तो समझिए ट्रेनिंग में लग जाता है, 3 साल आपका NCC का नियम लग जाता है, तो ये कौन 4 साल का निकाल दिया ये नियम? और ऊपर से एज निकाला नहीं, 19 में जो एग्जाम हुआ उसका अभी तक एग्जाम रिजल्ट नहीं निकला, एग्जाम ही नहीं लिया, और यहाँ से ये नियम में नियम चेंज किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है, इसको वापस लेना होगा।